लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि फलस्तीन में इसराइल की खुली दहशतगर्दी जारी है। मिसाइल से महाजिर कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है। 8 बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 144 हो गई। इसराइल ने गजा की एक और कई मंजिला इमारत को मलियामेट कर दिया। तबाह होने वाली मल्टी स्टोरी इमारतों की तादाद 5 हो गई है। फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल और OIC इजलास आज हो रहा है। गिरी लाशें, खून में लथपथ बच्चे, मलबे का ढेर बने घर। फलस्तीन के इन मनाजिर ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया। कई ममालिक में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल को फलस्तीन से बाहर निकालो के नारे, पुलिस से झड़पें। बरतानिया में भी सैकड़ों लोगों का इसराइल के खिलाफ मुजाहरा, फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। इसराइल फलस्तीन दुश्मनी में अंधा हो गया। सेहुनी फौज के शर से मीडिया भी महफूज ना रहा। इंसानियत सोज मजालिम की कवरेज रोकने की घिनौनी साजिश। गजा में मौजूद कैंप के बाद सहाफियों के जेर इस्तेमाल 11 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया, जिससे पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। अल जजीरा का दफ्तर भी खाक हो गया। कतरी TV ने सच दिखाते रहने का अज़्म दोहरा दिया। मज़ाहमत बैतुल मक़दस की बेहतरीन मुख्तसर राह है। फलस्तीनी दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ बनी रियासत से काम किसी भी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे, ना किसी सूरत पीछे हटेंगे। इसराइल की शदीद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया का इसराइल के खिलाफ हमलों में इजाफे का अज़्म का इजहार। कतर के शहर दोहा में बड़े अवामी इज्तिमा से खताब करते हुए हमास रहनुमा का कहना था कि गजा की पट्टी में साहिली मुहासरे से बड़े पैमाने पर रॉकेटबाजी जारी रखेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमास जंगजू अब भी उनके इख्तियार में पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे। जिस तरह शामी सरहद पर दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उसी तरह मस्जिदुल अक्सा की जानेब बढ़ते हुए हाथों को तोड़ देंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का बड़ा ऐलान, कहा इसराइली जारियत पर खामोश रहने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। फलस्तीन में जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। मुकद्दस मकामात के अतराफ इश्तियाल अंगेजियां खत्म होनी चाहिए। बढ़ते तशद्दुद के वाकयात फौरी खत्म किए जाएं। सरबराह वजारत खारजा यूसुफ बोरेल का बयान, कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान ने फलस्तीन पर इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ अपनी भरपूर तशवीश का इजहार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मस्जिदुल अक्सा की बेहुरमती के अमल का तदारुक करना होगा। सिक्योरिटी काउंसिल का होने वाला इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि फलस्तीन के मसले पर OIC के किरदार को अहम नहीं समझता। सिफारती सतह पर फलस्तीन और सऊदी अरब से रबते में है। बुहिरा हिंद में बनने वाले समंदरी तूफान ताउते कराची से 1310 किलोमीटर दूर है। आइंदा 18 से 24 घंटों में तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार करके शदीद तरीन समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफान से मुतालिक 5वां अलर्ट जारी कर दिया गया। समुद्री तूफान की खबर, इब्राहिम हैदरी के माहीगीर परेशान। बोल न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में माहीगीरों का कहना था कि हमारी कश्तियां और माहीगीर अब भी गहरे समंदर में हैं। हमें किसी ने तूफान की पेशगी इत्तला नहीं दी। तूफान के बायस इब्राहिम हैदरी के इलाके चश्मा गोच रेड़ी गोच में पानी आता है। हुकूमत समंदर में गए माहीगीरों को वापसी के इकदाम करे। हम लोग ऐसे भी माहीगर जो ये ने अपना रोजगार के लिए निकल गया, हमारे को कोई पता भी नहीं, किसी ने बताया नहीं। समुंदरी तूफान का किसी ने बताया नहीं है। जो ये ने हम लोग इसीलिए जो ये ने परेशान हो गया है। अभी हमारा किश्तियाँ भी अंदर है। मैं तो ये कहता हूँ समुंदर में अभी इसलिए हमारी भी मजबूरी है, शौक से नहीं जाता है, वो मजबूरी के वजह से चला जाता है। बस तूफान हो नसीब की बात है, कोई मर जाता है, कोई रंदा आ जाता है। किश्तियाँ अंदर तो बहुत है, 10-25 किश्तियाँ है। तूफान को नहीं, बरसात को कभी हमारे को पता नहीं चला। मुमकिना समंदरी तूफान के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम कर दिया। आवाम हेल्पलाइन पर कंट्रोल रूम से राबता कर सकते हैं। वजीर आला सिंध ने भी हंगामी इजलास में पेश की इकदामात की हिदायत कर दी। और इसी बारे में बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम हसन, आगाह कीजिएगा कि इस तूफान के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं अब तक।
कश्ती जो इस वक्त तकरीबन कराची से 1200 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके सबब शहर कायद में आज से जो है हीट वेव की पेशगोई जो है वो कर दी गई है और आज से लेकर 17 मई तक शहर कायद का मौसम जो है शदीद तरीन गर्म रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकेगी। इस वक्त भी शहर में जो है कोहर छाया हुआ है और जिसके सबब हद निगाह जो है तकरीबन 3 किलोमीटर तक जो है महदूद होकर रह गई है और उसके साथ साथ शहर में जो है समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं और शुमाल मगरबी सिम से जो है गर्म हवाएं जो हैं उस शहर में सुबह से ही चलना शुरू हो गई हैं। तकरीबन दोपहर 12 बजे तक जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है तकरीबन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है। गर्मी की जो ये लहर है वो 17 मई तक जो है जारी रहेगी और 17 मई से लेकर 20 मई तक जो है शहर में जो है तेज़ तूफानी बारिशों की पेशगोई जो है की गई है और उसके साथ साथ जो बालाई सिंध है खसूसन ठट्टा और सखर लाड़काना वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा तूफानी बारिशों की जो है पेशगोई की गई है। उसके साथ साथ जो है सिंध हुकूमत ने जो है काफ़ी ज़्यादा इकदाम जो है गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो लेना शुरू कर दिए हैं। उसके साथ साथ कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं, माहीगीरों को जो है वो गहरे समुंदर में जाने से जो है रोक दिया गया है और उसके साथ साथ जितने भी बलदियाती इदारे हैं वो भी जो है हरकत में आ गए हैं और फौरी तौर पर जो है नालों की चौकिंग को जो है वो खोला जा रहा है और उसके साथ साथ शहर से जो है बिलबोर्ड्स हटाने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। याद रहे कि समुद्री तूफान ताउते वो 18 मई की सुबह भारतीय गुजरात से जो है टकराने का उसका इम्कान जाहिर किया गया है और उम्मीद ये भी इम्कान जाहिर किया गया है कि जब वो भारतीय गुजरात से टकराएगा तो उसके साथ साथ जो है सिंध के शहर खसूसन बदीन और ठट्टा पर भी जो है उसके असरात जो है वो नमूदार होंगे। तकरीबन 16 मई के बाद जो है समुद्री जितने भी साहिली इलाके हैं सिंध के वहाँ पर जो है लहरें जो हैं वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा बुलंद होने का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को उसके साथ साथ शहरियों को जो है वो खुसूसी हिदायत की है कि वो समुंदर में जाने की तरफ जो है वो गुरेज करें। ठीक है मरियम, ये बताइएगा कि आपने ये कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं, बल्दियाती इदारे कितने मुतहरक दिखाई दे रहे हैं, नालों की सफाई के हवाले से अमली इकदाम देख रही हैं आप? देखिए बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ ही जो है एडवाइजरी जारी हुई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जिसके फौरी बाद हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध ने 2 घंटे के अंदर अंदर जो है आला अफसरान पर मुश्तमिल जो है एक इजलास बुलाया और जो है मुख्तलिफ कमेटियाँ भी जो है वो तश्कील दे दी गई। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी जो है अहकामात दिए गए कि वो नालों की सफाई करें और उसके साथ साथ शहर के जो मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हैं उनको भी जो है फौरी तौर पर हटाया जाए। अलबत्त कल से लेकर आज तक जो है खातिर ख्वाह इकदाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज से जो है नालों की सफाई का जो है बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा और जितना जल्द हो सकेगा कि नालों की जो चोकिंग पॉइंट्स है सिर्फ उनको जो है क्लियर किया जा सके। उसके साथ साथ अगर बिलबोर्ड्स की बात की जाए तो बिलबोर्ड्स को हटाने का सिलसिला जो है वो ताहाल शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उसका आगाज़ भी जो है आज से हो जाएगा। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो ईदुलफ़ितर की छुट्टियाँ थी और आज से जो है दोबारा से ज़िंदगी मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल होना शुरू होंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि आज से जो है इन कामों में जो है फौरी तौर पर तेज़ी देखने में आएगी। लेकिन अगर हुकूमत सिंध खातिर ख्वाह इकदाम नहीं लेती है तो गुज़िश्ता साल रिकॉर्डेड जो बारिशें हुई थी 22 अगस्त वाले दिन ज़्यादा जो है बदतरीन सूरत हाल जो है वो यहाँ पर हो सकती है अगर खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जाते हैं तो। जी ठीक है मरियम, एक बार फिर ये वाज़ेह कर दीजिएगा कि मरियम हसन हमारे साथ मौजूद थी और कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है और समंदरी तूफान ताउते के बायस बल्दियाती इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तहम ये भी कहा जा रहा है कि 17 से 20 मई के दौरान बारिशों का इम्कान है, जिसके पेश नज़र तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। मरियम बहुत शुक्रिया आपका।